बहराइच की, जहां पर मूर्ति विसर्जन के दौरान फायरिंग का मामला सामने आया है और ये बड़ी खबर इस वक्त की। और फायरिंग के बाद बवाल हुआ है, गोली लगने से युवक की मौत, एसओ और वहां पर और भी चीजें देखी गई हैं। सीएम योगी ने एक्स पर भी पोस्ट किया है, माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है और ये बहराइच का पूरा मामला, जहां पर मूर्ति विसर्जन के दौरान फायरिंग हुई और फायरिंग के बाद बवाल भी मचा, गोली लगने से युवक की मौत, एसओ और चौकी इंचार्ज सस्पेंड कर दिए गए हैं उस इलाके के। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना को संज्ञान में लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स के जरिए क्या कुछ कहा है। जनपद बहराइच के बहसी में माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, सभी को सुरक्षा की गारंटी, लेकिन उपद्रवियों और जिनकी लापरवाही से घटना घटी है ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रतिमा विसर्जन जारी रहेगा। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को मौके पर उपस्थित रहकर धार्मिक संगठनों में संवाद कर समय से प्रतिमा विसर्जन कराने हेतु निर्देशित किया गया है। तो देखिए, मूर्ति विसर्जन का मामला था लेकिन वहां पर फायरिंग हुई और फायरिंग के बाद बवाल भी देखा गया, गोली लगने से एक युवक की मौत भी हुई, बहुत बड़ा मामला है। और उसके बाद तुरंत पुलिस के अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई, सस्पेंड भी किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद सीएम योगी ने इसको संज्ञान में लिया, पोस्ट कर उनको ना बख्शने की बात भी बताई है। जी, आज महाराजगंज क्षेत्र में इसी तहसील में पड़ता है, वहाँ से एक मुस्लिम क्षेत्र से गुजरते हुए तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसमें दोनों पक्षों का आमना सामना, एक व्यक्ति पर हमला किया गया दोनों पक्ष से, जिसकी मृत्यु हुई। उसी के बाद ये तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, इस पर तत्काल प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा कार्रवाई अमल में लाई गई। वहाँ पे लगभग 25 से 30 लोगों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया और सभी जगह जहाँ पे डिस्टर्बेंस हुआ है, स्थिति को बहुत तेजी से नियंत्रण में लाया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सभी जगह अब विसर्जन दोबारा शुरू हो गया है, पर्याप्त पुलिस बल उसके साथ लगाया गया है। तो हम सभी लोग मौजूद रह के सुनिश्चित करेंगे कि कहीं पर भी किसी भी विसर्जन में कोई बाधा ना आने पाए। साथ ही जो भी उपद्रवी हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह की डिस्टर्बेंस को कॉज किया है, पुलिस द्वारा सभी जगह विस्तृत इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है और सभी इस तरह के अराजक तत्वों को आइडेंटिफाई करके उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई की जाएगी। और ये विसर्जन समाप्त करने के बाद तत्काल हमारी जो धरपकड़ की कार्रवाई है वो आरम्भ हो जाएगी। अजय शर्मा हमारे संवाददाता बहराइच से इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। अजय, संक्षेप में पहले तो ये जानकारी बताइएगा, ये घटना शुरू कहां से हुई और अभी क्या सिचुएशंस वहां पर बनी हुई है? शीतल, बहराइच का जो महसी क्षेत्र है, महसी विधानसभा क्षेत्र का इलाका है, महसी के महाराजगंज क्षेत्र में जब मूर्ति विसर्जन के लिए जा रही थी, वहां पर उपद्रवियों ने बवाल काटा है और दो पक्षों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। ये इसमें दोनों संप्रदाय के लोग थे, इसमें मूर्ति विसर्जन के लेकर जब मूर्तियों को लेकर लोग निकल रहे थे, उसी दौरान कुछ लोगों ने हमला कर दिया, पथराव कर दिया, बाता कही को लेकर के, उसके बाद बात बिगड़ गई। क्योंकि सामने एक घर में झंडा लगा हुआ था, उस झंडे को उखाड़ कर दूसरे संप्रदाय ने अपना झंडा गाड़ दिया। इन्हीं सब चीजों को लेकर आक्रोशित हुए और जिस व्यक्ति ने ये कांड किया था उसको लोगों ने, दूसरे पक्ष के लोगों ने उसे घसीट कर अंदर ले गए और उसे इस तरह मारा कि गोलियों से छल्ले कर दिया। इसके साथ साथ बहराइच से चूंकि गोलियां चली हैं, उसमें कई लोग घायल हुए, एक की तो मौत हो गई है, दूसरा लखनऊ रिफर कर दिया गया, जो लखनऊ रिफर कर दिया गया उसकी भी हालत काफी चिंताजनक है, कभी कोई भी सूचना आ सकती है। उसके साथ साथ कुछ और लोगों को गोलियां लगी थी, उनका इलाज चल रहा, लेकिन बहराइच की हालात काफी तल्ख है। बहराइच के चारों दिशाओं में चारों ओर कोहराम की स्थिति बनी हुई है, कहीं आगजनी, कहीं पर घरों में आग लगा दिया गया, कुछ दुकानों में आग लगा दिया गया, महसी के तमाम क्षेत्रों में आगजनी की सूचना हुई है। ये वहां की जो सूचना थी, महाराजगंज इलाके से निकलकर बहराइच के सदर क्षेत्र यानी बाजार इलाकों में भी रात भर उपद्रव हुआ, बवाल हुआ, यहाँ पर भी दुकानें फूंक दी गई है। तो इस तरीके से विस्फोटक स्थितियां बनी है। जी, अभी तो सरकार की तरफ से या फिर मुख्यमंत्री की तरफ से इस पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि बहुत जल्द इन जो ये लोग इसमें शामिल हैं उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो अभी पुलिस की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं और क्या उन सभी लोगों पर कार्रवाई होगी जो इसमें शामिल हैं? निश्चित तौर से योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो जीरो टॉलरेंस पर काम करते हैं। उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि जिस तरीके से उपद्रवियों ने कोहराम किया है उसको लेकर के उन्होंने स्वयं संज्ञान लिया और घटनाक्रम में शामिल लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होगी। कुछ लोग गिरफ्तार, 25 से 30 लोग गिरफ्तार कर लिए गए और इसमें दोषी बख्शे नहीं जाएंगे किसी भी कीमत पर। उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें बख्शने के मूड में नहीं है। उसके साथ साथ जिनकी भी लापरवाही
जिम्मेदार तन से हुई है, उन्हें भी कहीं ना कहीं कड़े निर्देश दिए गए हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होंगी। अभी कुछ देर के दौरान ये भी सूचना आ सकती है कि जिले के तमाम बड़े अधिकारियों के ऊपर हो सकता है कार्रवाई हो जाए, क्योंकि थानाध्यक्ष और चौकी इंचार्ज को तो स्थानीय पुलिस ने की निर्देशन में सस्पेंड कर दिया गया। एडीजी गोरखपुर और डीआईजी और कमिश्नर बहराइच में कैंप कर रहे हैं, वो रात भर यहाँ पर कैंप यहाँ पर पेट्रोलिंग किया, लेकिन चूंकि जो हालात इतने विस्फोटक हुए बहराइच जिले में, इसको काबू करना इतना आसान नहीं था। यहाँ पर पुलिस ने लाठी भांजी, तब जाकर लोग भागे हैं, क्योंकि उपद्रवी जब बाद में लोग एकत्रित हो जाते हैं तो क्या अजय अब के हालात थोड़े से सामान्य हो गए हैं पहले के मुकाबले या अभी भी वैसा ही है? निश्चित तौर से देर रात ही स्थितियों पर प्रशासन ने नियंत्रण जरूर ले लिया है, क्योंकि उन लोगों की मांग थी लाश को रखकर, जिस मृतक की लाश को चौराहों पर रखकर प्रदर्शन किया जा रहा था, उन्होंने मांग की कि बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तो उसी को लेकर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया। अभी हजारों की संख्या में लोगों पर मुकदमे दर्ज होंगे, धरपकड़ शुरू हो जाएगी, लेकिन बड़ी कार्रवाई के संकेत उत्तर प्रदेश शासन ने, सरकार ने दिए हैं कि आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या क्या कार्रवाइयां हो रही है, लेकिन अभी हालत सामान्य जरूर है। लेकिन जिस इलाके के लोगों की मृत्यु हुई है, जिस इलाके के लोग घायल हुए, वहां पर अभी माहौल काफी तल्ख है, क्योंकि उसकी डेड बॉडी को लेकर पता चल रहा है कि तहसील पर लोग जा रहे हैं, वहां पर प्रदर्शन करने की भी बात आ रही है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजय तमाम जानकारी के लिए। अजय हमारे साथ बहराइच से इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी बता रही थी।